ପଦୋନ୍ନତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ ଏସ୍ସିଏସ୍ଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିବ ପଦୋନ୍ନତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ। 2006 ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ନାଗରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍, ତେଣୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାରର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଏଥିସହ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ମାମଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। इस जजमेंट से इस देश के एसटीएससी जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एमपी एसटीएससी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। क्योंकि चार हेडकल थे एम नागराज में, पहला बैकवर्डनेस वो खत्म हो गया, दूसरा क्वांटिफाइड डाटा कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टेट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और तीसरा जो है अब ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है प्रमोशन रिजर्वेशन रहेगा इस देश में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सुनने में आ रहा था रहेगी नहीं रहेगा, कहीं 16(4)A तो अपहेल्ड हो ना हो, लेकिन 16(4)A अपहेल्ड हो गया, प्रमोशन रिजर्वेशन में रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कर सकती है, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अटकल थे वो खत्म हो गए, ये बहुत बड़ी। इस जजमेंट से इस देश के एसटीएससी जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एमपी एसटीएससी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। क्योंकि चार हेडकल थे एम नागराज में, पहला बैकवर्डनेस वो खत्म हो गया, दूसरा क्वांटिफाइड डाटा कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टेट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और तीसरा जो है अब ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है प्रमोशन रिजर्वेशन रहेगा इस देश में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सुनने में आ रहा था रहेगी नहीं रहेगा, कहीं 16(4)A तो अपहेल्ड हो ना हो, लेकिन 16(4)A अपहेल्ड हो गया, प्रमोशन रिजर्वेशन में रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कर सकती है, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अटकल थे वो खत्म हो गए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने संविधान ने शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% एंड ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देने का कानून है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। तो मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हर कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं नजर आएंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर, ओबीसी पर अन्याय करने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला दिया है कि कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, देयर विल बी नो कोटा इन फॉर प्रमोशंस, एंड राइटली सो, क्योंकि जो नागराज जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बड़ी बेंच को नहीं दिया जाएगा, और जो पहले जजमेंट था वही अमल किया जाएगा। सही भी है, क्योंकि आप रिजर्वेशन जॉब्स के लिए देते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन देना कहीं भी आपके डिस्क्रिमिनेशन या अत्याचार से कनेक्टेड नहीं होता है, और ये एक पॉलिटिकल गेम हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि आज का जमाना मेरिटोक्रेसी का है, प्रमोशन आपके कार्य पे होना चाहिए, आपकी कार्य नीति पे होना चाहिए, ना कि जाति। एससी एसटी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत के योग्य है कि इन्होंने ये सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी ना तो पहले लगाई थी और ना ही अब लगाई है, बल्कि साफ तौर पर यह कहा है कि सरकारें अगर चाहें तो इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देती रह सकती है। ये स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसके हर बिंदु पर, क्योंकि बड़ा डिटेल में ये जजमेंट आया है, तो रखिबा जो कतरक मान्यवर उच्च न्यायालय देइछन्ते ते अत्यंत स्वागत योग्य कथा। ए संपर्क रे केंद्र सरकार निश्चिंत भाव रे विहित कार्यानुष्ठान नेबे, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को ताही आमे आशा करबा उचित हबो।